है हमें टू रिफ्लेक्ट कि हमारा जो जर्नी रहा है पाकिस्तान की जमहूरियत का वो कैसे चल रहा है, ज़िया आमरियत से लेके आज तक हमारे क्या क्या कामयाबियाँ हुए हैं और हमें कहाँ कहाँ ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कहाँ इम्प्रूवमेंट्स लाने पड़ेंगे। हमने देखा कि पिछले जो 10 साल थे ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि ना सिर्फ एक जमहूरी हुकूमत ने अपना पूरा 5 साल मुकम्मल किया, फिर एक डेमोक्रेटिक सिविलियन ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में, और फिर एक बार फिर वी मेड हिस्ट्री अगैन, एंड एक और सिविलियन हुकूमत ने अब एक और सिविलियन पार्लियामान ने अपना जो 5 साल है वो मुकम्मल किया। ये पाकिस्तान की एक तारीखी कामयाबी है, और ये कहा जाता है कि अगर ये जो ट्रांजिशन है ये 3 दफ़ा हो जाते हैं, इफ़ वी हैव दिस ट्रांजिशन 3 times, तो फिर उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है गैर जमहूरी कुव्वतों के लिए, आमरों के लिए हमारे जमहूरियत पे हमला करने के लिए और अपने आप को इस मुल्क का गैर कानूनी लीडर बनाने के लिए। तो जितने भी हमारे इश्यूज रहे हैं इस पिछले इलेक्शंस के, और काफ़ी इश्यूज थे, और हम फिर भी कहते हैं कि ये एक जमहूरी कामयाबी है, जमहूरियत की जीत है कि ये पार्लियामान नहीं गिरा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टाइमली एक्शन नहीं लेती, बाकी जमहूरी सियासी जमातों को कन्विंस नहीं करते कि आपने पार्लियामान का हिस्सा बनना, तो शायद एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हुआ जो नहीं पैदा हुआ। और आज भी जितना भी कमज़ोर तो सही एक पार्लियामानी निज़ाम है, और जितने भी मुश्किलात हैं हम एक पार्लियामानी प्लेटफॉर्म से जमीनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना आवाज़ उठाएं और आवाम के मसाइल हल करें। और आज भी मैं कहूँगा ये जमहूरियत की जीत तो है, लेकिन साथ साथ जैसे कि मैंने खान साहब की नेशनल असेंबली का जो हमारा पहला दिन था, जो मेरा पहला तकरीर था, जैसे मैंने वहाँ कहा था, हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या क्या कुर्बानी देने पड़े खान साहब के लिए, इमरान को इस ओहदा मिलने के लिए, हमारा वज़ीर आज़म सेलेक्ट बनने में। और उस वक्त में भी मैंने कहा था कि हमने बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट किए हैं, हमने एक नौजवान नस्ल को ये पैगाम दिया है कि माइट इज़ राइट, हमने इंतहा पसंदी को फ़रोग दिया इलेक्शन कैंपेन, हमने पॉलिसीज़ के बजाय ज़्यादतियात पर फोकस किया, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के बजाय हम इंडिविजुअल्स पर फोकस रहे, और हमें इन चीज़ों पर काम करना चाहिए। लेकिन जो उम्मीदें थे हमारे लिए इस हुकूमत के लिए भी, जो उम्मीदें थे हमारे लिए इस कमज़ोर निज़ाम के लिए भी, अनफॉर्चुनेटली दोज एक्सपेक्टेशंस हैव नॉट बीन मेट। एंड जो आज हो रहा है उस मुल्क में, इस मुल्क में ये जमहूरियत का प्रोग्रेस नहीं है, ये जमहूरियत का प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं है, ये जमहूरियत की रिवर्सल है। हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। जो हुकूक आपके पास थे जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार में थे, आज आपके पास वो हुकूक नहीं है, आज मीडिया के पास वो आज़ादी नहीं है, आज पार्लियामान के पास वो ताकत नहीं है, आज हमारा जमहूरियत में वो ताकत नहीं है, आज हमारे शहरियों के जो इंसानी हकूक है वो उतने नहीं हैं जितने होते थे तब। हम अपने इंसानी हकूक पे कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं, हम अपने अवाम के मसाइल कंसेंसस के थ्रू, जमहूरियत के थ्रू हल करने के बजाय एक दूसरे आपस में लड़ रहे हैं, हकूमत हकूमत करने के बजाय
اپوزیشن کی سیاست کر رہی ہے اور اگر حکومت اپوزیشن کی سیاست کرے گی اور اپوزیشن اپوزیشن کی سیاست کرے گی تو پھر حکمرانی کون کرے گا؟ اس ملک کو کون چلائے گا؟ عوام کے مسائل کے حل کون نکالیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان ایک مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے. ہمارا جو معاشی صورتحال ہے اس وقت وہ ہمارے دور سے بھی بدترین تھے. فائنینشل ورلڈ ریسیشن جب چل رہا تھا پاکستان کی معیشت بہتر تھا, پاکستان کی اکنامک کرائسس اتنا برا نہیں تھا جتنا آج ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف نہیں جائے گا. مہنگائی بڑھے گی, بے روزگاری بڑھے گی, عام آدمی کی زندگی اور مشکل ہونے والا ہے. اور اگر ہم جمہوریت پہ زور نہیں دیں گے, اگر ہم جمہوری طریقے سے عوام کو اپنے آواز بلند کرنے نہیں دیں گے, اگر ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہولڈ کریں گے تاکہ عوام سمجھتے ہیں کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن سے چینج لے آ سکتے ہیں, تو پھر عوام جو ہے وہ اس نظام سے بے امید ہو کے جمہوریت سے اس پورا کا پورا پروسیس سے, and if they don't have peaceful outlets, if they don't have democratic outlets, تو پھر یہ جو ناراضگی ہوگا, یہ جو نفرت ہوگا, وہ کسی نہ کسی اور طریقے میں نکلے گا اور اس کا نقصان ہمارا پورا معاشرے پہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی, جیسے کہ ہم نے جنرل ضیاء کے دور میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے رہتے تھے, جیسے کہ ہم مشرف کے دور میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے تھے, آج بھی ہمیں ویسے ہی جمہوریت کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گا. اور جب تک ہمارے جمہوری حقوق اور انسانی حقوق محفوظ نہیں ہوں گے تب تک عوام کے معاشی حقوق محفوظ نہیں ہوں گے. آج ہم یوم جولائی 5 کا منا رہے ہیں. یہ اس دن تھا جب پاکستان کی 1973 کانسٹیٹیوشن, ہمارا پہلا متفقہ جمہوری کانسٹیٹیوشن, جو کہ ایک الیکشن کے بعد, ایک پورا ملک میں جو الیکشن ہوا اس کے بعد یہ کنسنسس ڈاکیومنٹ نکلا, اس کو ختم کیا گیا. اور جب وہ ہوا ہم نے دیکھا کہ کیا نقصان پہنچا ہمارے ملک میں. اور جب وہ ہوا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی سیاسی زندگی کی ایک مقصد بنائی تھی کہ ہم نے وہ 1973 کے آئین کو بحال کرنا ہے. وہ 1973 کی جمہوری وفاقی پارلیمانی آئین کو بحال کرنا ہے تاکہ ہمارا جو وفاق ہے وہ مضبوط رہے, ہمارا جو وفاق ہے وہ مل کے چلے, ہمارا وفاق میں انصاف ہو, ہمارا وفاق میں برابری چلے, عوام تک ریلیف پہنچا سکے. اور ہم نے 30 سال جدوجہد کرنے کے بعد, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کی, شہادت قبول کی, اور اس قربانی کے بعد ہم نے 18ویں ترمیم کر کے نیا NFC اوارڈ لے آ کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے 30 سال کی جو سیاسی جدوجہد تھا, جو محنت تھا, ہم نے وہ قرض اٹھایا اور ہم نے وہ کام کر کے دکھایا. آج اس 1973 کے آئین پر, اسی 18ویں ترمیم پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں. خاص طور پہ ہمارا سلیکٹڈ حکومت, اس ان کے وزیر, ان کے رہنما ہمارا 18ویں ترمیم کے خلاف بیان دیتے رہے ہیں. ہمارا وزیر اعظم جھوٹ پر جھوٹ بول کر اس آئین کے خلاف بھی, اس ترمیم کے خلاف بھی بیانات دیے ہیں. اور اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے, ریورس کرنے کے لیے بہت سے
कोशिशें जारी हैं। मैं आज इस दिन का मौका उठाते हुए एक वाज़े पैगाम रिएटरेट करना चाहता हूं, इस मुल्क के अवाम के सामने रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1973 की आईन पर 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी किस्म की हर किस्म की प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, मगर अपने जो नज़रियाती असूल हैं, अपने नज़रियाती असूल पर हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पूरे ख़ानदान को, मेरे पूरे पार्टी को जेल भेजना है, आप भेज दें, मगर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 18th अमेंडमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, डेवोल्यूशन और मिलिट्री कोर्ट्स पे हम अपना मौकफ नहीं बदलेंगे। इंशाल्लाह ताला हमारा जदोजहद जारी रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अपना अवामी राबता मुहिम में हम मसरूफ हैं। इंशाल्लाह ताला मैं इस पूरा मुल्क का दौरा करूंगा, मैं अवाम को ये इस कठपुतली हुकूमत को एक्सपोज करूंगा, उनकी झूठ एक्सपोज करूंगा, उनके मुनाफिकत को एक्सपोज करूंगा, और मैं नया नस्ल को तैयार करूंगा इस जमहूरियत का दिफा करने के लिए, हमारा इंसानी हकूक का दिफा करने के लिए और हमारे सूबे के मुआशी हकूक का दिफा करने के लिए। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला है। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू टेकिंग योर क्वेश्चंस एंड एंगेजिंग इन अ प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन। आप जैसे और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप पेशावर प्रेस क्लब आए हैं। जिस तरह आपकी पार्टी की एक जदोजहद है और उस जदोजहद से पीछे नहीं हटके पेशावर प्रेस क्लब की ये जदोजहद है, ये इन दो तीन प्रेस क्लबों में जहाँ पर तो कुछ हमले हुए हैं, लेकिन उस हमले के बावजूद भी जो यहाँ के साथी हैं वो यहाँ पर अपने प्रेस और फ्रीडम के लिए खड़े हुए हैं, किसी दबाव का शिकार नहीं हुए। आपके इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान के छोटे बड़े शहर में गए हैं और आपने मीडिया की जो मुश्किल मुस्तूम दौर से शुरू हुई थी और अभी तक वो जारी है, जिसने जबरी बर्तरफियाँ हो रही हैं, हमारे वर्कर्स की तनख्वाही नहीं मिल रही, उसके लिए आपने आवाज़ उठाई, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आपने अभी एक जमहूरियत के हवाले से कहा कि उसके दिफा के लिए आप खड़े हैं, अभी सेनेट के चेयरमैन की तब्दीली के हवाले से बात हो रही है जो कि आपका नामजद करता है सेनेट का चेयरमैन का, आप उसको तब्दील करके क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसको निकून को मैसेज देना चाहते हैं, पब्लिक अपॉलॉजी कि आपने पीपल्स पार्टी ने उनका सेनेट में चेयरमैन को रोकने मुंतखब होने से रोका था, क्या आप जो है किसी और गलती को या किसी और को मैसेज देना चाहते हैं जिसके जरिए ये सेनेट का चेयरमैन आया था और आप उनसे चाहते हैं कि आप उनसे मैं समझता हूँ हम वही मैसेज भेजना चाहते हैं जो हम पिछले सेनेट इलेक्शन में भेजना चाहते थे कि अपोजिशन मुतफिक है, अपोजिशन मिलके चेयरमैन सेनेट की कंसेंसस कैंडिडेट को मुंतखब करवा सकते हैं, और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट कदम था जो कि एपीसी में फैसला हुआ था, जो सजेशन उसी एपीसी में मेरी तरफ से आया था कि अगर अपोजिशन ने अपना सीरियसनेस दिखानी है, अगर अपोजिशन ने अपनी सीरियसनेस दिखानी है तो हमें अपना कंसेंसस के साथ कंसेंसस चेयरमैन ले आना पड़ेगा। तो ये कोशिश जारी है और इंशाल्लाह ताला आज भी हमारा मीटिंग इस कमेटी का, रेबल कमेटी का जारी है, और इस एफर्ट आपका आप देखेंगे हम कामयाब इंशाल्लाह ताला होंगे। पेशावर में मौजूद है, पेशावर को यह एजाज हासिल है कि ये सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के दरमियान एक गेटवे का किरदार इसका तारीखी तौर पर रहा है। इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी 1980 से लेकर आज तक वार इकॉनमी की शक्ल में तिरक चुकी थी, वार तो अभी ख़त्म नहीं हुआ लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी का टप्पा जो है वो बैठ गया है, वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई है, वही इकॉनमी थी जिसका इसका ये अंजाम होना था।
जिसकी वजह से इस कॉलोनी की लेवर की वजह से आज जमहूरियत, सियासत, सहाफत और मैशियत सब के सब तबाह हो रहे हैं और तबाही के रास्ते पे चल रहे हैं। आप इस नौजवान नसल की वाहिद उम्मीद है, आपके पास क्या प्लान है कि आप इन हालात का मुकाबला कैसे करेंगे? एक जमहूरी और वो जो मुरवजा डेमोक्रेटिक रूल्स और रेगुलेशन है उसके अंदर रहेंगे। आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। देखो, आपने बहुत से इश्यूज को हाईलाइट किए हैं। आपने हमारा मईशत का इशू का भी हाईलाइट किया है, जैसे कि आप जानते हैं हमारा सिक्योरिटी रीजनल इश्यूज भी रहे हैं। लेकिन जो भी पाकिस्तान के मिसाइल हैं, जो भी किसी भी मुल्क में मिसाइल हो सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है, हम ये समझती हैं कि उसका हल जमहूरियत होता है और हमारा मसाइल का हर मजीद जमहूरियत होता है, कम जमहूरियत नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि जब तक हम उस आज़ाद एटमोसफियर में फिर से नहीं आएंगे ना, जहाँ हम सब अपने राय आपका न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, मुख्तलिफ राय आ सकते हैं, मुख्तलिफ राय टीवी पे आ सकते हैं, कुछ जमहूरियत की ये खूबसूरती होती है कि मुख्तलिफ राय होते हैं। मैं अपना राय देता हूँ, आप अपना राय देते हैं, हुकूमत अपना राय देती है, अपोजिशन अपना राय देती है, और उस उन मुख्तलिफ राय में से जो बेस्ट राय होगा या जो बेहतरीन कंसेंसस होगा वो सामने आता है, वो अडॉप्ट हो जाता है, वो मुल्क का पॉलिसी बन जाता है और अवाम का मसाइल भी हल हो जाते हैं। जब सेंसरशिप चल रहा है, जब एक ही बयानिया चल सकता है, अगर वो बयानिया सही भी हो, आपको वो उस नतीजा नहीं मिलेगा जो कि कंसेंसस बयानिया से मिलता है। आप अगर हमारे दौर को कंपेयर करें इस दौर से, हमने अपने दौर में कम वोट्स होने के बावजूद कंसेंसस के साथ हर डिसीजन लिया, कंसेंसस के साथ 18वीं तरमीम की, कंसेंसस के साथ हर कानून पास करवाया, एंड वो इसलिए ताकि हर पार्टी का, हर सूबे का, हर आवाज का स्टेक हो। जो आमिराना सोच रखते हैं वो कहते हैं कि मैं और मैं सबका हल निकालूंगा, और वो भी सही होता अगर उनके पास हल होता, अगर वो काम कर सकते। लेकिन हमने सब इस पिछले साल ये देखा है कि हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम में ना वो सलाहियत है, ना वो अहलियत है कि ये मुल्क चला सके, इस मुल्क में सियासत कर सके, एक एक मॉडल बने हमारे आने वाली नस्ल के लिए, इस मुल्क के नौजवानों।